नवी मुंबई से फिल्म अभिनेता एजाज खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया है। नवी मुंबई पुलिस ने एजाज खान को गिरफ्तार किया है, जिसमें उनसे पूछताछ की जा रही है। एजाज खान को एंटी नार्कोटिक्स सेल नवी मुंबई में रख रही है और कुछ ही देर में एजाज खान को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त एजाज खान नशे की हालत में थे। उनके पास से 8 नशे की गोलियां बरामद की गई और एजाज से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। एजाज खान बिग बॉस सीजन 7 से सुर्खियों में आए थे और एजाज रक्त चरित्र और रब जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जानना चाहेंगे अभी फिलहाल क्या कुछ पूछताछ में निकलकर सामने आया और क्या एजाज अकेले थे या साथ में कुछ और लोग भी थे? हाँ नवजीत, आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में नवी मुंबई पुलिस को देर रात से एक सूचना मिली थी, एक टिप ऑफ मिला था कि ये नवी मुंबई के कोपरखंड इलाके में एक होटल है, वहाँ पर कुछ लोग ड्रग का सेवन कर रहे हैं। उसी सूचना के आधार पर नवी मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक टीम ने जब वहाँ पर रेड की तो एजाज खान वहाँ पे मौजूद थे। बाकी के जो लोग थे वो भागने में कामयाब हो गए थे, क्योंकि एजाज खान काफी ज्यादा नशे की हालत में थे और जब उनकी तलाशी ली गई तब उनके पास से 8 एकेस्टिक की ड्रग्स मिले हैं और साथ ही साथ कुछ एमडी ड्रग्स भी मिले हैं, जिसके बाद एजाज खान को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया और उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया। मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट भी आ चुकी है, उसमें साफ तौर पर बताया कि जो एजाज खान थे वो गिरफ्तारी के समय काफी ज्यादा नशे की हालत में थे और यही वजह है कि नवी मुंबई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। अब उनके जो फोन, जो 2 फोन जब्त किए गए उसमें नवी मुंबई पुलिस जांच कर रही है कि वो किनके संपर्क में थे और ये जो ड्रग्स है जो 8 या 10 टैबलेट लेके आ रहे थे, क्या वो अपने सेवन के लिए लेके आ रहे थे या फिर किसी को देने के लिए आ रहे थे, ये जांच का विषय है। लेकिन नवी मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में एजाज खान को गिरफ्तार किया है, कुछ ही देर में उन्हें कोर्ट में पेश करेंगे। नजर बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। विवेक, सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर शुरुआती फैसले में कहा है कि तेज आवाज वाले पटाखे नहीं चलाए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक आयोजनों में पटाखों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है। सिर्फ रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जाएंगे। क्रिसमस डे और नए साल के मौके पर रात 12:15 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं। अदालत ने ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगा दी है और केवल लाइसेंसधारी पटाखों को ही बेचे जाने की इजाजत दी गई है। बिना लाइसेंस के बेचने पर कोर्ट की अवमानना होगी। दिवाली से ठीक पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है और इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने जो ज्यादा धुएं वाले या ज्यादा आवाज वाले पटाखों पर बैन किया है, लेकिन कम आवाज वाले और कम वायु प्रदूषण या अन्य प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों को कहीं ना कहीं इजाजत दी है बेचने की। हमारे साथ इस वक्त महाराष्ट्र फायर एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन छाड़वा जी हैं। छाड़वा जी, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने देखा होगा, क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसले का हम काफ़ी अच्छा स्वागत करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है 3 बच्चों की याचिका के ऊपर, वो बहुत ही अच्छा निर्णयदायक आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फायरवर्क्स इंडस्ट्री पे कोई जात का बैन नहीं है और फटाके की जो बिक्री है उस पर कोई जात की प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जो पॉल्यूशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 30 तारीख से लेकर 8 तारीख तक उसका विज्ञापन और देना, तो हम वो भी स्वागत करते हैं क्योंकि पॉल्यूशनदायक फटाके बाजार में बिकने ही नहीं चाहिए। हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में वकील गोपाल शंकर नारायण हैं, जिनके बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी इस मामले में। आज जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि लो एमिशन फायर क्रैकर्स ही इस्तेमाल होंगे, इसका क्या मतलब है, इसका क्या असर होगा? केंद्र सरकार ने एक एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि हम भी मानते हैं कि अभी जो पटाखे हैं वो बहुत ही प्रदूषण वाले पटाखे हैं, इसीलिए हमारा ये राय है कि 2 तरह का पटाखे ही परमिटेड होना चाहिए। एक है ई फायरवर्क्स, जो लेज़र लाइट वो सब होते हैं लेकिन कोई प्रदूषण या धुआं नहीं आता उनसे। दूसरा ये जो लो एमिशन वाले हैं कि बहुत छोटा कुछ धुआं आ जाएगा। ये दोनों पटाखे अभी नहीं हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा इस पे हम एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, इस पे हम परमिशन देंगे, ठीक है, वो अभी तक हुआ नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसे एफिडेविट हम मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, बैलेंस निकाल रहे हैं, ताकि जो मैन्युफैक्चरर्स है वो ऐसे वाले पटाखे ही बनाएं। तो अभी उन्होंने पूरा बैन किया है ऑन हाई एमिशन फायरवर्क्स, तो जो भी अभी चल रहा है, जो फूलझड़ी है या फ्लावर पॉट्स है, चक्रा है, वो सब रॉकेट्स, वो सब बंद। उन्होंने ये भी कहा है कि जॉइंट वाला पटाखे जो है वो भी बंद। पटाखों की बिक्री पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और ये कहा कि कुछ शर्तों के साथ पटाखे बाजार में
बेचे जा सकते हैं। और उसके बाद से ही बाजारों में अगर आप देखें तो पहले से ही हालांकि व्यापारियों ने तैयारी की थी, इनको उम्मीद भी थी कि फैसला इनके हक में आएगा और आखिरकार हुआ भी यही। सर, अब आगे का व्यापार आपका इस बार की दिवाली कैसे होने वाली है? इस बार की दिवाली तो अभी वहीं के वहीं हैं हम, क्योंकि बाहर से तो माल आया नहीं है और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई है जिसपे इन्होंने प्रतिबंध लगाया है, अभी तो हमारे पास वही माल है, अभी तो हमारे पास वही जो भी लगाया होगा प्रतिबंध उसी केमिकल से बना हुआ सभी कुछ वही माल है, तो अभी हम वो कहाँ लागू हो पाएगा। नेक्स्ट ईयर जो नया माल आएगा तब हम वो लागू कर पाएंगे उस पर, अभी उस पर तो हम कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल, अब प्रतिबंध भले ही हट गया है और इसका असर अगर आप बाज़ारों में देखें तो हर तरीके के पटाखे बाज़ार में बिकने शुरू हो चुके हैं, कुछ कंडीशंस यहाँ पे ज़रूर हैं। भाई साहब, एक सवाल आपसे ये है कि स्टॉक का आपने बताया था कि स्टॉक पहले का था, स्टॉक नहीं निकल पाया, अब आगे क्या? फिर अब आगे देखिए, जो 2 साल पुराना जो स्टॉक है वही हमारे पास है, अब ज़्यादा दिन तो वो भी चलने वाला नहीं है, न्यू लग लिए 5-7 दिन चलेगा, उसके बाद जब माल ही नहीं बचेगा तो उसके बाद हम क्या माल करेंगे? आप लोग नया मंगाएंगे फिर? माल कैसे मंगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली में माल ही नहीं आ रहा है 2 साल से, अब जो माल है वही बेच लीजिए, अब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद हम क्या बेचेंगे, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। लेकिन ये भी तो खबर अच्छी है कि कम से कम पटाखे बेचने की आपको इजाजत मिल गई। सर वो तो ठीक है, निकल जाएगा तो 4-5 दिन में, उसके बाद हम क्या करेंगे। परेशानियाँ एक और भी है यहाँ पे लोगों के सामने कि जो अभी इनके पास क्वांटिटी है पटाखों की, ये पुराना स्टॉक है, अब इनका ये कहना है कि दिल्ली में अभी इस तरह के जो नए फायर क्रैकर्स हैं जो गाइडलाइंस के मुताबिक हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, और ऐसे में कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्द से जल्द नए फायर क्रैकर्स नए पैरामीटर्स के साथ बाज़ार में उतारे जाएँ ताकि ग्राहक उसे खरीद पाएँ, दुकानदार उसे बेच पाएँ। कैमरा से नकुल के साथ विशेष तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। वैसे तो पटाखा 2-4 घंटे जैसे कि लास्ट की दिवाली के 5-6 घंटे पटाखा जलाने के लिए उम्र भी मिलनी चाहिए, यानी कि दिवाली पूरी अच्छी तरह मननी चाहिए बच्चों के लिए, नुकसान बहुत है इस बार भी।